छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर जिले के दौरे पर थे। रतनपुर में मां महामाया की पूजा अर्चना एवं दर्शन करने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। 10 महीने की सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से विफल कर दिया है। उन्होंने कवर्धा जिले के लोहारी डी की घटना पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस चाहती तो घटना को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देखेंगे डीपीएस में 4 साल बच्ची के साथ अनाचार हो रहा है, बस स्टैंड में हो रहा है, महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार, रायगढ़ में बात करें सब जगह स्थिति है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। इस 10 महीने की सरकार में विष्णु के सुशासन तार तार हो चुके हैं। अब एक छोटी सी एक घटना घटी कि जैद खान को काट दिया गया, सतनामी समाज की भावना आहत होगी, स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भाई अपराधी के पकड़ो। 14-15 मई की बात है, वो कि 3 बिहारी जो मजदूर थे, बिहार से मजदूर आए थे मजदूरी करने, पानी टंकी में काम करने, उसको पकड़ लिए, बोले ये है ही नहीं, इसको क्या लेना देना सतनामी, उसको नाराजगी सवाल ही नहीं उठी। सतनामी समाज ने कहा भाई उसकी CBI जांच करा, उसके मांग को अनदेखा किया गया। 15 मई से लेके 10 जून तक के सरकार चाहते तो समाज के लोगों को बुला के बात कर लेते, उनकी जो शंकाएं थी उसको दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 10 जून की जो घटना घटी पूरे देश में ये पहली घटना है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस SP के कार्यालय धूम धूम करके जल गया। नक्सली क्षेत्र में भी थाना लूटने की बात हुई थी, कितने थाने लूट गए, लेकिन SP कलेक्टर कार्यालय कहीं नहीं जला था, लेकिन विष्णु के सुशासन में वो जल गया। वहाँ लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारियाँ हो गई, मार मार के पीट पीट के कपड़े उतार के पीटे गए और सबको गिरफ्तार कर दिया, आप तक किसी को बेल मिला नहीं। लेकिन मूल जो मुद्दा है जैद खान को किसने काटा, आज तक की पुलिस बता नहीं पाए, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तो केवल ये है कि सतनामी समाज के लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर करो मारो, ये थे कांग्रेसी है तो उसको मारो। दूसरे आप घटना देखेंगे लोहारी डी की जो घटना है वो हृदय विदारक है। लोहारी डी में 2 गुट है, कुछ दिन पहले रघुनाथ साहू ने चुनौती दी थी शिव प्रसाद साहू कचरू को कि उनको 6 महीने के अंदर में निपटा दूंगा, एक मीटिंग हुई थी गांव में, और 15 दिन के भीतर गांव के बाहर मध्य प्रदेश की सरहद में उस व्यक्ति की कचरू के लाश पेड़ में टंगा हुआ मिला। खून के दाग भी थे, घसीटने के भी दाग थे, मोबाइल टूटा हुआ था, चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने कहा कि ये हत्या है, वहीं पुलिस ने कहा कि आत्महत्या है, और इसी से आक्रोश बढ़ा और अपनाव साहु के घर को आग लगा दिया गया और उसको मार डाले। ये घटना से पुलिस को जो करना था, पहली बात तो ये है कि उसके पोस्टमार्टम के बिना उसको हत्या आत्महत्या घोषित नहीं करना था, उन्होंने कर दिया। दूसरा, पुलिस की उपस्थिति में रघुनाथ साहू के घर को जलाया गया, पुलिस चाहती तो उसको रोक सकते थे, रोका नहीं। ऊपर से ये कि रात को 12 बजे घर से दरवाज़ा तोड़ के महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध व्यक्तियों को, सबको घर से घसीटते मारते पीटते ले गए और रेंगा खा के थाने में बंद किए, और बेटा उसमें 33 महिलाएं, 2 बच्चे और 34 पुरुष थे, सबको पीटा गया, कोई ऐसा नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबको पीटा गया, और इतना पिटाई किया गया कि प्रशांत साहू की वहाँ मौत हो जाती है। SP का बयान आता है कि मिर्गी, इनको मिर्गी था, मिर्गी से मौत, मतलब इसको भी दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि बिना विवेचना के उन लोगों ने जेल में 67 लोगों को ठूस दिया, अब 69 लोगों को, अब 167 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज है। मतलब ये भारतीय न्याय संहिता जब से लागू हुआ है, वही रेंगा कारखाना है जिसमें पहली बार अपराध दर्ज हुआ, तो उन्होंने कहा कि पहला अपराध दर्ज रेंगा खार में हुआ, लेकिन अब ये भी है कि मॉब लिंचिंग बहुत कठोर बनाया गया है न्याय संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में।